पिछले दिनों अक्षरा सिंह का एक सॉन्ग आता है, जिसकी चाटता है उसी की को काटता है, फलाना निमा का जो भी था हमने आपको बताया। साथ ही हमने ये भी बताया कि इसके लिए अक्षरा सिंह पवन सिंह के फैंस के निशाने पर थी, और ऐसे ही एक किसी फैंस ने पवन सिंह का सपोर्ट करते हुए एक हफ्ते पहले, ये सब कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, हमारी नज़र आज पड़ी तो हमें लगा आपको बताना चाहिए। स्टोरी में दम है इसलिए ये स्टोरी आज बाहर आई है। तो हम आपको बता दें कि ये पूरा माजरा क्या है। आपको यहाँ ये भी बता देते हैं कि इस न्यूज़ से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन जब कुछ सबूत हाथ लगे हैं तो हमें इसे आपको बताना ज़रूरी लगा। यहाँ पर जब ये सॉन्ग आया था तब एक किसी यूज़र ने अक्षरा सिंह से ये सवाल किया कि कहीं आप ही तो वो नहीं हो जिसकी वजह से पवन सिंह की पत्नी ने आत्महत्या की और आपने अपने रास्ते का पत्ता साफ किया, समथिंग ऐसा कुछ वो कहता है। आपके सामने हम वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। साथ ही इसके बदले में जो अक्षरा सिंह ने इसका आंसर किया है, इनको उत्तर दिया है, इनके क्वेश्चन का जो आंसर है, इनकी क्यूरियोसिटी जो शांत की है, वो बड़ी ही एक आप कह सकते हैं कि राज से पर्दा उठाने वाली चीज़ है। लोग अभी तक ये बातें बना रहे थे कि क्यों पवन और ज्योति एक साथ नहीं रहते हैं, क्या हो गया है, क्या इनमें फिर से कोई खटास आ गई है, फलाना ढिमा का। लेकिन यहाँ अक्षरा सिंह ने इन सारी चीज़ों को एक बार में ही नॉकआउट किया है। अक्षरा ने ये कहा है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, पता लगा लो। जी हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट दोनों देखिए जहाँ पे अक्षरा ने इसका जवाब दिया है। और आपको ये भी बता दें कि ये जवाब सुनने के बाद शायद यूज़र की भी बोलती बंद हो गई और उसने वापस रीटैग नहीं किया, रीट्वीट नहीं किया अक्षरा के साथ, ना ही कोई दूसरा कमेंट किया। लेकिन अक्षरा ये बात अगर कहती हैं तो यानी तो पहली बात उन्हें पवन सिंह की लाइफ की एक से एक बात पता है। जी हाँ, आज भी वो पवन सिंह की लाइफ में पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट रखती है, इससे ये साफ पता चलता है। क्योंकि आज से उनको पवन सिंह से दूर हुए एटलीस्ट 3 साल हो चुके हैं, और अब ऐसे में ये जो बात आई है उसे देखकर तो यही लग रहा है। खैर, इस टॉपिक को भी हटाते हैं, दूसरी टॉपिक ये आती है। आज भी ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी जो पहचान बताई है वो मिसेस पवन सिंह की ही बताई है। जी हाँ, और जो उनके फैन फॉलोइंग है वो 7,41,000 है। आप हमारे स्क्रीनशॉट यहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें अभी भी उन्होंने पवन सिंह को फॉलो किया है। अब इससे एक बात साफ होती है, या फिर अक्षरा सिंह झूठ बोल रही है। क्योंकि अगर किसी भी लड़की का डिवोर्स हो जाता है तो वह अपने एक्स हस्बैंड को क्यों फॉलो करेगी, साथ ही अपने नाम के बाद उसका नाम क्यों लगाएगी, क्यों उसे आज भी वो अपने पति होने का दर्जा देगी। ये एक कॉमन सेंस है। और अगर अक्षरा सिंह सही बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि पवन और ज्योति ने दोनों ने सभी के सामने अपने इस रिलेशनशिप को हाइड किया हुआ है, यानी कि छुपा कर रखा हुआ है। आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।